जय हिंद दोस्तों। स्मॉल कैप के स्पेशलिटी केमिकल वाले एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एंड स्टॉक का नाम है फेयर कैम ऑर्गेनिक्स। इस स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे, नंबर्स को भी चेक करेंगे एंड चार्ट पैटर्न्स पे भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही अनुपम रसायन इस स्टॉक के ऊपर चार्ट पैटर्न्स पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें एक रिक्वेस्ट मिली है। एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं, हम टेक्निकली फंडामेंटली दोनों ही पैरामीटर्स पे स्टॉक को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है, हम वहाँ पे सिर्फ टेक्निकल्स को चेक करते हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, मैं जो प्रैक्टिकल लेवल स्टॉक के देखने मिलेंगे, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, मैं वही आपके सामने पेश करता हूँ। अनसर्टेन या फिर यू नो अन सरप्राइजिंग लेवल्स आपके सामने पेश नहीं करता हूँ, या फिर ऐसे कोई बात आपके सामने नहीं रखता हूँ जिससे आपकी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके इच्छाएं बढ़ जाएगी। एंड अगर आप मुझसे किसी तरह के जादू या मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी उम्मीद ना रखें। मैं जो प्रैक्टिकली लॉजिकल बातें होने हो सकती है, मैं उसी के बारे में वीडियो के माध्यम से आपके सामने जानकारी पेश करता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक फेयर कैम ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करना। स्मॉल कैप का स्टॉक 623 नंबर पर रैंक करता है। सारे नंबर्स को चेक करेंगे, मार्केट कैप 2690 2700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। स्टॉक की पी 42, 52 वीक लो देखिए 500 रुपये के आसपास, और 52 वीक हाई 2150 के आसपास। सो तक ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है नीचे से। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करेंगे एंड असली एक्शन यहाँ पर देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं ये तो जितने भी नंबर देखने मिल रहे हैं सारे नंबर है करोड्स में। एंड हमें जो चीज़ें देखनी है उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, और आखिर में ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। एंड हमें जो है पिछले 4 क्वार्टर के डाटा को करना है कंपेयर। ओके, सितंबर, दिसंबर, मार्च 2021 एंड जून 2021। इससे होगा क्या, पिछले 3-4 क्वार्टर के अगर चाल समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कंपनी में काम किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सितंबर 2020 में 15 करोड़ था, फिर दिसंबर में हो गया 21 करोड़, फिर मार्च 2021 में 28 करोड़ एंड जून में 33 करोड़। सो हर क्वार्टर में कंपनी ग्रो हो रही है। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सितंबर में 12 करोड़, फिर दिसंबर में 18 करोड़, मार्च में 24 करोड़ एंड जून में 30 करोड़। हर क्वार्टर में कंपनी यहाँ भी ग्रो हो रही है। आगे बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट 9 करोड़ सितंबर में, 13 करोड़ दिसंबर, 19 करोड़ मार्च में, 22 करोड़ जून में। सो यहाँ पर भी ग्रोथ का ट्रेंड कंटिन्यू। और लास्ट ईपीएस, यहाँ पे देखिए 7 की ईपीएस सितंबर में, 10.5 10.3 की ईपीएस दिसंबर, फिर 14.46 एंड 17। सो नंबर्स में हमें क्लियरली देखने मिल रहा है फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और सितंबर 2020 से लगातार हर क्वार्टर में किस तरह से ग्रो हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट में हमें क्या देखने मिल रहा है, कर्ज। कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर, वो है 48 करोड़ का। सो 2700 करोड़ की मार्केट कैप के सामने 48 करोड़ का छोटा सा कर्ज एंड साथ ही 260 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स है, ये है पॉजिटिव बात। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने मिल रहा है, प्रमोटर्स देखिए बड़ी तगड़ी 74% की होल्डिंग, विदेशी संस्था है 0.27, घरेलू संस्था है 0.57 एंड बचा हुआ हिस्सा पब्लिक के पास 25.1%। जो फंडामेंटली कितनी मजबूत कंपनी है क्लियरली हमें देखने मिल रहा है। अगर 20 सेकेंड्स में क्विक रिविजन करेंगे नंबर्स का तो क्या समझ में आता है, 2700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, हर क्वार्टर में कंपनी ग्रो हो रही है, मार्केट कैप के सामने कर्ज सिर्फ 48-50 करोड़ का है, साथ ही 250-60 करोड़ के एसेट्स है, पॉजिटिव बात है। एंड दूसरी पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 74% पब्लिक माफ कीजिएगा शेयर होल्डर प्रमोटर्स के पास है एंड 25% के आसपास पब्लिक के पास है एंड विदेशी संस्थाएं एंड घरेलू संस्थाओं को भी थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट है, दैट्स इट। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, उसके पहले अपडेट। और अपडेट क्या है, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट 5paisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल ही फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली पूरी तरह से KYC डन, ब्रोकर के एंड से यानी कि 5paisa.com के एंड से आपको 250 रुपीज़ की क्रेडिट मिलेगी एंड उन पैसे से आप शेयर्स खरीद सकते हो आपकी पसंद के हिसाब से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, पहले महीने के लिए जो चार्जेस आपको पे करने हैं पर ऑर्डर, वो है 0 रुपीज़ पर ऑर्डर एंड आफ्टर फर्स्ट मंथ इट इज़ 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। एंड ये ऑफर 5paisa.com की तरफ से है। ज़्यादा जानकारी चाहिए ऑफर के बारे में तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप 5paisa.com। एंड अगर मन बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा रेफरल लिंक मिल जाएगा, जो अकाउंट ओपनिंग लिंक भी है उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे और ये है चार्ट पैटर्न 2021 से 21 की शुरुआत से अब तक का। एंड यहाँ पे स्टॉक देखिए किस तरह से काम कर रहा है। एंड स्टॉक जो है ये देखिए, सबसे पहले तो बहुत लंबे समय तक स्टॉक एक ही रेंज में काम कर रहा था, ठीक है। इनफैक्ट 26 मार्च के एंड तक भी स्टॉक का भाव 800 रुपये के आसपास ही था, फिर यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक चला गया अलग रेंज में, एंड यहाँ पे देखिए स्टॉक का हो गया ब्रेकआउट।
एंड यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टॉक का हो गया बड़ा ब्रेकआउट एंड स्टॉक ने बढ़िया से गैप के साथ ओपनिंग दे दी। ये हमें क्लियरली देखने मिल रहा है, गैप के साथ ओपनिंग दे दी। एंड अभी यहाँ पर मैं सारे कलर को रेड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट लेवल्स के नीचे है अभी। ओके, सो देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक एक ही रेंज में यहाँ पर काम किया, दो ये रेंज को निकाला, फिर ये रेंज में आया, फिर यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर बड़ा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है स्टॉक देखिए किस तरह से ऊपर गया। यहाँ पर स्टॉक ने अपनी जो कर्व पैटर्न है उसको कंप्लीट किया, ये देखिए यहाँ पे किस तरह से स्टॉक ने अपनी जो कर्व पैटर्न है उसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए सो कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। एंड यहाँ पे कंप्लीट करने के साथ ही स्टॉक ने जो है यहाँ पे सबसे पहले तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही काम कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बना दिया है अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग का वो है 2131, यस 2131 का है, 2030 भी आप कह सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेज कब बनेगी, जब स्टॉक जो है इसके ऊपर बंद होगा तभी। सो 2131 इस पे ध्यान रखना है, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन एंड रेजिस्टेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। सो नेक्स्ट तेजी का राउंड कब शुरू होगा, अगली तेजी कब बनेगी, जब स्टॉक जो है इसके ऊपर होगा बंद। सो 2131 इस के ऊपर रखना है आपको ध्यान, अगर इस स्टॉक में आपको इंटरेस्ट है तो। ऑल्सो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन और एक ड्रॉ करूँगा तो क्या समझ में आ रहा, स्टॉक का ट्रेंड देखिए, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अभी भी ऊपर ही है। ओके, यहाँ से ये जो तीन कैंडल्स है उसको अगर मैं फॉलो करूँ वहाँ से भी देखें तो स्टॉक का जो ट्रेंड है ऊपर ही है, या फिर मैं अगर इसको थोड़ा सा नीचे ले लूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर वो ट्रेंड की शुरुआत हुई है इसको हम कंसिडर करें तो देख सकते हैं स्टॉक का ट्रेंड ऊपर ही है एंड धीरे धीरे करके जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आने वाले दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन संभव है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से स्टॉक जो है ऊपर भाग चुका है। अब 2131 को क्लियर कर दिया ना ऊपर की तरफ, से स्टॉक आने वाले दिनों में किस रेंज में जा सकता है, कौन से लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 2230 2340 ये लेवल्स देखने मिल सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होती है इस लेवल के ऊपर यानी कि 2131 के ऊपर, आने वाले एक से डेढ़ महीने के अंदर 2230 या 2340 इस रेंज में स्टॉक दिख सकता है। नेक्स्ट, जो एक दिन दो दिन या फिर चार पाँच दिन के लिए सिर्फ पोजिशन बनाने का मन बनाते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस का लेवल क्या होगा, और वो लेवल स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, यहाँ से तकरीबन 100 रुपये नीचे है। जी हाँ, थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है एंड इतनी तो रिस्क आपको लेकर चलनी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ स्टॉक निकल गया है एंड थोड़ी सी वॉलीटिलिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। सो 1960 का स्टॉप लॉस है, जो एक दिन से लेकर पाँच दिन तक पोजिशन बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जिनका निवेश करने का नज़रिया है, निवेश करना है तो कौन से लेवल के आसपास कर सकते हैं, किस रेंज में, 1700 एंड 1460 फॉर इन्वेस्टमेंट। यस, बहुत ज़्यादा स्पीड से स्टॉक जो है ऊपर निकल गया है, वॉलीटिलिटी और अगर बढ़ती है तो नीचे की तरफ भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। एंड निवेश का मतलब ये है कम से कम 3 महीने 6 महीने या 9 महीने एज पर योर फाइनेंशियल कैपेसिटी, जितने समय के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है उसको ध्यान में रख के आपको करना है काम। ओके, एंड अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर देखिए आपको जो भी चीज़ tradingview.com पे सबसे पहले आइए, आपको जो भी चीज़ समझ में आती है प्लीज़ ड्रॉ करना शुरू कीजिए, उससे होगा क्या, सारे लेवल्स आप निकालना शुरू कर जाएंगे एंड धीरे धीरे जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, स्टॉक यहाँ पर जो ट्रेंड की शुरुआत की अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, स्टॉक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न है उसमें धीरे धीरे काम कर रहा है। स्टॉक हो सकता है यहाँ पे क्योंकि इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ निकला है थोड़ा कंसोलिडेशन भी यहाँ पे कर सकता है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी, हो सके उतना लाइक यू नो यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ये जो लेवल से आएगा डिलीट हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ किस रेंज में स्टॉक जा सकता है, वो है 2230 एंड 2340। ओके, नेक्स्ट हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले वो है अनुपम रसायन। हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक रिक्वेस्ट मिला था अनुपम रसायन के बारे में बात करनी थी। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछली बार हमने स्टडी की थी एंड जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाया था उसको स्टॉक ने क्लियर नहीं किया एंड वन वे क्रैक स्टॉक में देखने मिल रहा है। एंड इनफैक्ट जो ट्रेडर्स थे उनका 755 का स्टॉप लॉस भी हो गया ट्रिगर। एंड जिनको निवेश करना था 700 रुपीज जो ड्रीम लेवल्स थे सॉर्ट ऑफ, स्टॉक एग्जैक्टली वही उसके आसपास आके रिबाउंड हो गया। देख लीजिए 705 या फिर 706 कहिए 709 उसी रेंज में के आसपास आके स्टॉक जो है रिबाउंड कर रहा है। अब आने वाले दिनों में एक्शन क्या हो सकता है वो मैं बता दूँ सबसे पहले। अब स्टॉक जो है यहाँ पे देख लीजिए एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट साथ ही मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले, स्टॉक ने ये जो है इस छोटी सी रेंज में एक हाईएस्ट क्लोजिंग जो दी है अब तक की वो है 29 जुलाई की। जी हाँ, 29 जुलाई। एंड वो लेवल कौन सा है वो आपके सामने पेश कर दूँ। अब तेज़ी कब बनेगी, जब उसको स्टॉक क्लियर करेगा तभी। सो उस लेवल को नोट कर दीजिए, और वो लेवल कौन सा है, वो लेवल है ये
728.6, यस 728.6, इसके ऊपर जब बंद होगा तब बनेगी तेजी 728.6। एंड वो लाइन सबसे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, और वो लाइन है ये, यहाँ पे ये वाला दिन बहुत ही मतलब कंसोलिडेशन में, मतलब स्टॉक काम कर रहा है बहुत ही धीरे धीरे, स्टॉक काम कर रहा है। अच्छा, लाइन जो है थोड़े से लेवल्स के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो लेवल है मैंने क्लियरली यहाँ पे लिख दिया है 728.6। एंड ऊपर की तरफ स्टॉक इसको निकाल देता है तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में कहाँ पे जा सकता है, एंड जहाँ पे स्टॉक जा सकता है वो है 760 से लेके 800 रुपये, 760-800 इस रेंज में स्टॉक क्लियरली जाता हुआ दिख सकता है। अब ट्रेडर्स जो 1 दिन से लेके 5 दिन तक पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस तो आपका जो आपको क्लियरली दिख रहा है जिस रेंज को फॉलो करा 700 रुपये, इसके नीचे स्टॉक निकल जाता है, सावधान रहना है, पोजीशन मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है। ओके, एंड 700 रुपये के आसपास मतलब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हो, मतलब 700 के आसपास है, आपने थोड़ा खरीदा एंड ऊपर जब मार्केट की तरफ फिर से रिबाउंड किया तो थोड़ा बेच सकते हो एज पर मार्केट मूड। इनफैक्ट आपने देखा होगा पिछले सेशन में अचानक से मतलब स्पाइक आ गया था स्टॉक में, सो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉक मतलब ऊपर की तरफ फिर से अगर निकलना शुरू कर दे तो। अब मार्केट में अगर गिरावट होती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो नीचे जिनको निवेश करना है कौन से लेवल के आसपास आप खरीदने का प्लान कर सकते हो वो है 650 एंड 605। ये भी अपडेटेड रेंज है, इसको ध्यान में रखिए 650 एंड 605। वैसे 700 रुपये के नीचे मतलब जाता हूँ मुझे स्टॉक बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है प्रेजेंटली बढ़िया तरीके से वहाँ सपोर्ट लेके पूरी तरह से बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। बट प्लीज़ मार्केट जो है अपनी खुद की चाल चलता है, एंड हम सबको हमेशा लाइक यू नो सरप्राइज करता है मार्केट, मार्केट से हमेशा नई नई चीज़ें ही सीखने में मिलती है, तो सावधान रहना है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है एंड अपनी कैपेसिटी में ही काम करना है। सो फ्रेंड्स, दो स्टॉक्स के बारे में बात की, फायरकैम ऑर्गेनिक्स नंबर्स चेक किए बढ़िया है, टेक्निकल्स भी बढ़िया है, एंड अनुपम रसायन, एंड वीडियो वीडियो के माध्यम से जो जानकारी पेश की है पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।